डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड और ये क्लास वन है। इसमें हम बात करेंगे रिसर्च क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। दोस्तों जैसे फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और भी काफ़ी तरह की रिसर्च हैं, उन सभी में से हमारे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। और दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इस क्लास में सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड 2012 से लेके आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसीनेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों इसमें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी है उन्हीं पे हम फोकस करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए शोध का अर्थ क्या है, शोध को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें दोस्तों उनको समझना हमारे लिए जरूरी है। देखिए शोध के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका अभी तक उत्तर उपलब्ध नहीं हो चुका है। अगर कोई बंदा आज आके ये कहे कि मैं एक ऐसी डिवाइस बना रहा हूं जिससे हम 30 किलोमीटर दूर रह के बात कर सकते हैं, तो क्या वो रिसर्च होगी दोस्तों? नहीं, वो रिसर्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि शोध के अंदर उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका सॉल्यूशन अभी तक हमें नहीं मिल चुका है, उनका हम प्रयास करते हैं रिसर्च के अंदर। यानी कि रिसर्च में हम कुछ नई चीज खोजने का प्रयास करते हैं। शोध द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है। जैसे मान के चलिए कोई हमने मोबाइल बनाया है, मोबाइल के अंदर कोई और इन्वेंशन लेके आए, उसके अंदर कुछ नया फीचर लेके आए, तो वो हमारी रिसर्च हो सकती है। अगर हम वही पुरानी चीजें दोहराएं जो पहले बन चुके हैं तो वो हमारी रिसर्च नहीं होगी। और ये क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम इंग्लिश में बात करें दोस्तों रिसर्च का मतलब क्या होता है, री प्लस सर्च। यहाँ पे भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली है दोस्तों। देखिए जैसे रिसर्च यानी कि बार बार खोजना, क्या ये रिसर्च होगी दोस्तों? किसी चीज को बार बार खोजना रिसर्च होगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए जैसे हमारा आसपास में कुत्ते होते हैं, सुबह सुबह उठते वो पूरा दिन भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, वो खोजते हैं, बार बार खोजते हैं, डेली वो खाने के लिए प्रयास करते हैं, खाने को खोजते हैं डेली, तो क्या वो रिसर्च होगी दोस्तों? नहीं, वो रिसर्च नहीं माने जाएगी। तो बार बार खोजने का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों? बार बार खोजने का मतलब ये है कि जो चीज़ पहले हो चुके उसकी बार बार स्टडी करना, उसकी स्टडी साइंटिफिक वे में और एक सिस्टमेटिक वे में जब की जाती है तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। और इसमें क्या है कि हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, पहले जो जो चीज़ें हो चुकी है उन सैंपल इकट्ठा करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं कि उनमें क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे कि हम मान के चले सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सैंपल इकट्ठा करने पड़ेंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा और तब जाके हम अपनी रिसर्च कर पाएंगे। और ये देखिए ये जो हमारी रिसर्च होती है एक सुव्यवस्थित व सुनियोजित प्रक्रिया होती है, एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं और साइंटिफिक वे में करते हैं। और इसमें देखिए नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, नवीन तथ्यों का
प्रतिपादन किया जाता है, यानी कि नई चीज खोज के लेके आते हैं इसमें। ये नहीं है कि पुरानी चीजों को ही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था पहले, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना, यानी कि जो चीज हमें पता है उसको व्याख्या करना, अलग से व्याख्या करना, उसके मतलब इंप्रूवमेंट करके उसको बताना, उसमें नई चीजें जोड़ के प्रेजेंट करना हमें, तो ये है दोस्तों। और अभी हम बात करते हैं दोस्तों अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या होती है। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों यहाँ से, कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान की रिसर्च की विशेषता है वो बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है, वैज्ञानिक तरीके से हम करते हैं, इसमें एक सिस्टमेटिक वे होता है, व्यवस्थित तथा सुनियोजित। सुनियोजित का मतलब है कि इसमें एक टाइम लिमिट होती है, भाई हम 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, और ये डेटा इस साल से लेके इस साल तक हम इकट्ठा करेंगे, तो उसमें सब कुछ डिसाइड होता है हमारा। ऐसे नहीं है कि रैंडम तरीके से जो भी हमारे सामने आया उसकी रिसर्च हमने कर ली। और इसमें क्या होता है दोस्तों, नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है इससे, इसमें और इससे हमारा विकास किया जाता है, और इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। इसमें जो भी हम रिसर्च डिजाइन उपयोग कर रहे हैं वो वैलिड होने चाहिए। ये नहीं है कि हम घर बैठे ही कोई इन्वेंशन कर ली, हमने घर बैठे ही कोई तरीका अपना लिया, ऐसे नहीं है, वो वैलिड होना चाहिए तरीका। और इसमें क्या है कि शोध कार्यों में गुणात्मक तथा परिणात्मक पद्धतियों की व्याख्या की जाती है। जैसे कई बार हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जैसे मतलब 100 लोग बीमार हुए हैं, उनमें कितने लोगों को डायबिटीज हुई है, कितने लोगों को बुखार हुआ है, क्या हुआ, तो वो हमारे पास आंकड़े हो गए। जो आंकड़े होते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और जहाँ पर क्वालिटी की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया कि सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनको मानसिक बीमारी हो रही है, उनका मोटापा बढ़ रहा है, और या फिर उनका उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, उनके बिहेवियर में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या होगी, हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। तो ये चीजें होती है दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी हम आगे करने वाले हैं जी। और अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है दोस्तों वो है हमारा टाइप ऑफ रिसर्च। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं और मैं आपको इसमें मतलब कम समय में अच्छी जानकारी दूंगा, ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, हमारी दो जो हमारी बेस ऑन आउटकम, आउटकम के हिसाब से हमारी 2 तरह की रिसर्च हो सकती है। नंबर 1 पे फंडामेंटल रिसर्च या फिर बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं इसको, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसको, प्योर रिसर्च भी बोल सकते हैं। तो इस रिसर्च को कई अलग अलग नामों से बोला जाता है, एग्जाम में अगर एज आ जाए तो आप कन्फ्यूज मत होना। बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च और सिंपल रिसर्च, ये सारे के सारे एक ही है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, इस जो रिसर्च में क्या करते हैं, ऐसा अनुसंधान जिसके निष्कर्ष द्वारा किसी विशेष वैज्ञानिक नियमों को उजागर किया जाए, यानी कि ये एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम कोई नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, कोई थ्योरी होगी या कोई फॉर्मूला होगा उसको इन्वेंट करते हैं, एज ए थ्योरेटिकली हम लोगों को समझाते हैं ये चीज़ ऐसे है और ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। थ्योरेटिकली किसी चीज़ को हम समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हमारे गणित में फॉर्मूले हो गए तो वो किस में आएंगे, हमारे बेसिक रिसर्च में या फंडामेंटल रिसर्च में आएंगे। इसमें सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, फॉर्मूले का निर्माण किया जाता है। और आगे हम बात करें दोस्तों प्रायोगिक शोध की, अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की, जो थ्योरी हमने यहाँ पे बनाई है दोस्तों बेसिक रिसर्च में, उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, अप्लाइड रिसर्च। इसमें किसी विशेष समस्या का समाधान किया जाता है दोस्तों, इसके अंदर किन्हीं विशेष नियमों या किसी समस्या पर होने वाले प्रभाव के बारे में पता लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए हमने ऊपर क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट किया, हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, वो हमने एक पेज पे थ्योरी उसकी पढ़ ली, और जब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को लगा के हम देखेंगे, जहाज एरोप्लेन उड़ाने में हम उसका उपयोग करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हमारा हो जाएगा। यानी कि बेसिक रिसर्च के जो फॉर्मूले हैं, सिद्धांत है, उसको जब हम अप्लाई करेंगे, किसी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों बेस ऑन प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से हमारी रिसर्च हो सकती है। एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव देखिए, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक शोध बोलते हैं इसको हिंदी में,
क्वांटिटेटिव्स, यहाँ पे जहाँ पे संख्या की बात की जाए, जहाँ पे आंकड़ों की बात की जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। जैसे कि मान के चले अभी मैंने आपको बताया कि हम सोशल मीडिया पे स्टडी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे हम स्टडी कर रहे हैं कि हम देखते हैं भाई हर रोज़ कितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हमने एक सर्वे किया, सर्वे में 500 लोगों ने आंसर दिया, फिर हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, 20 से लेके 25 साल तक जो बच्चे वो कितना इस्तेमाल करते हैं, 15 से लेके 10 साल के बच्चे कितना इस्तेमाल करते हैं, 30 से लेके 40 साल के जो युवा है वो कितना इस्तेमाल करते हैं। तो उन आंकड़ों को हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, फिर हम देखेंगे दिल्ली के जो लोग हैं वो कितना इस्तेमाल करते हैं, गांव में जो लोग रह रहे हैं वो उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आंकड़ों के साथ जब हम खेलते हैं, संख्या के साथ जब हम खेलते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव रिसर्च उसको हम बोलते हैं। अगला है जैसे हमारा गुणात्मक शोध, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमने रिसर्च कर लिया, रिसर्च पे हमने देखा भाई अभी वो सोशल मीडिया पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जब हम ये देखने का प्रयास करें भाई लोगों के विचारों में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो हमने देखा भाई लोग जो ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उनके गुण धर्म के बारे में हम देख रहे हैं, उनकी जो फीलिंग है, फीलिंग के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, गुणात्मक शोध होगी। जब हम गुणों के बारे में बात करें किसी के, और यहाँ पे और भी हो सकता है गुण हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा लाल हो सकता है, काला हो सकता है, पीला हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है इसके अंदर जहाँ पे गुणों की बात हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों बेस ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वर्णात्मक अनुसंधान। वर्णात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है हमारी, कोई थ्योरी लगा लो या कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा लो, उसका हम वर्णन करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि क्लास में आपने देखा होगा, जब 6वीं 7वीं क्लास में होते थे तो सर हमें क्या बोलता था, भाई खड़ा हो जा राजेश और इस लेसन को पढ़, वो ऐसे बोलते थे ना, भाई खड़ा होकर इसको पढ़, वो इंग्लिश में लेसन पढ़ता था, साइंस का या सोशल साइंस का लेसन पढ़ता था, तो वो क्या है, वर्णात्मक अनुसंधान हो गई। लेकिन जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, अब सर क्या कहते थे, भाई बैठ जा, अब बैठ जा, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके अंदर क्या है। अब जो बच्चा उसको पढ़ रहा है तो वो तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना, बच्चा तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बच्चा केवल उसका वर्णन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हमारी वर्णात्मक अनुसंधान हो जाएगी। और इसमें देखिए, वर्णात्मक अनुसंधान का उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय को का ज्ञान प्राप्त करना है, यानी कि केवल वो उसकी इंफॉर्मेशन देगा उसकी उस चीज़ के बारे में, और उसको समझाएगा कौन, उसको फिर आगे हम समझेंगे। ये देखिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आ गया। अब हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर व्याख्या की जाती है, बच्चे ने लेसन पढ़ दिया, एक पेज पढ़ दिया, अब सर क्या बोलेगा, भाई अब तू बैठ जा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, अब सर उस जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को समझाएंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें उसको बताएंगे। तो ये क्या होगी, हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों खोजपूर्ण शोध या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब ये होता है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, ऐसी चीज़ के बारे में जानना जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें लेनी है, तो वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ की खुदाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता नीचे क्या है, नीचे खजाना गड़ा हुआ या नहीं गड़ा हुआ, वो हम देखने के लिए उसको खोदते हैं। इस प्रकार का शोध आमतौर पर ऐसी समस्या का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई है, जिसके बारे में अच्छे से हमें पता नहीं चल सका है, यानी कोई चीज़ है जिसके बारे में हमें अच्छे से नहीं पता है, उसकी जानकारी के लिए एक्सप्लोर करते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, आगे हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है दोस्तों। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ हमारे पास होती है उस पर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं भाई एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे मान के चलिए हमारे पास एक चाय हम बना रहे हैं, ठीक है, चाय हम बना रहे हैं, तो उस चाय में हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें दूध कम डालेंगे या ज़्यादा डालेंगे, दूध, चाय, चीनी,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कम ज़्यादा करके देखेंगे भाई टेस्ट जो है वो कौन से में ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो हम अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब्जियां बनाते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी तरीके से हमारे सोशल मीडिया है उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों इसमें मैं अभी आगे बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो है वो मैं आपको कीवर्ड्स बताऊँगा, उनको आप देख के बिल्कुल आसानी से आप अपना आंसर विद इन 10 सेकंड में कर सकते हैं। अभी अपनी क्लास पूरी नहीं हुई है, बहुत ही जबरदस्त चीज अभी आपके लिए आने वाली है। अभी हम क्या है कि बेसिक चीजें कर रहे हैं ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। आगे दोस्तों हमारा बेस ऑन लॉजिक, लॉजिक के हिसाब से हमारी रिसर्च हो सकती है दो प्रकार की। नंबर एक पे है निगमन, जिसको हम डिडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। दूसरा है हमारा आगमन या इंडक्टिव रिसर्च। अब देखिए सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। देखिए निगमन विधि में पहले नियम बता दिया जाता है और बाद में उदाहरण द्वारा उसको समझाया जाता है या फिर उसको पुष्ट किया जाता है। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है, निगमन के अंदर पहले हम नियम बताते हैं। ठीक है, निगमन में पहले नियम बताते हैं। जैसे मान के चलिए हम मैथ में कोई मैथ में चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, तो उसमें पहले सर क्या बोलेगा भाई, देखो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें एक फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या होगा सॉरी इस तरह से मतलब कोई भी फॉर्मूला वो बताएंगे और इसका ये मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, हालांकि मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि मैथ में क्या होता है, मैथ में सबसे पहले सर फॉर्मूला बताते हैं ए प्लस बी का स्केयर। ठीक है, ये इक्वल टू किसके होगा, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab। पहले क्या है कि सर क्लास जब शुरू करेंगे क्वेश्चन करवाने से पहले कहेंगे भाई बच्चों आज जो चैप्टर करने वाले उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में बता देंगे, उसके बाद में फिर हमें एग्जाम्पल करवाए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निगमन विधि इसको हम बोलेंगे जी। और निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है। ठीक है, और इस विधि में सिद्धांत या परिभाषा को पहले बता दिया जाता है। देख लो जो नियम है, जो रूल रेगुलेशन है वो पहले बताए जाते हैं, उसके बाद में उसको कैसे प्रयोग करना है वो इसमें बताया जाता है। अब आगे हम बात करें दोस्तों आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या है, जैसे नाम से ही इसको याद करने की कोशिश करवाऊंगा हम आपको। आगमन विधि उसको कहते हैं जिसमें विशेष तत्व या घटनाओं के निरीक्षण तथा चलो छोड़ो मैं सिंपल बताता हूँ। आगमन विधि में पहले हमें उदाहरण बताया जाता है, आगमन में उदाहरण। ठीक है, आगमन विधि में पहले हमें उदाहरण बताया जाएगा और उसके बाद में हम उसका नियम बनाते हैं, उसका फॉर्मूला बनाते हैं। अब सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जब बच्चा 4 साल का होता है 5 साल का होता है तो उसको हम काउंटिंग कैसे सिखाते हैं, उसको प्लस माइनस करना गुना भाग करना कैसे सिखाते हैं, उसको हम कहेंगे बच्चे तुम्हारे घर में कितनी बकरी है, वो कहेगा जी हमारे घर में 4 बकरी है। ठीक है जी, 4 बकरी है, अगर 1 बकरी तुम्हारा दोस्त राजेश ले जाए तो तुम्हारे घर में कितनी बकरी रहेगी, वो कहेगा सर 3 बकरी रहेगी। जी वेरी गुड, तो 1 4 बकरी में से 1 बकरी चली गई, 3 बकरी रहेगी। तो वो इस तरीके से समझाएगा, बच्चा जिन चीजों के बारे में जानता है पहले वो चीजें उन चीजों से रिलेट करके हम उसको सिखाएंगे, बच्चा आसानी से उसको सीखेगा। ठीक है, तो आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है। ये देखो इस विधि में याद से अज्ञात की ओर, यानी कि जो चीज हम जानते हैं, जो चीज जिस चीज के बारे में बच्चा जानता है वो चीज उसे बताई जाती है, धीरे धीरे जो चीज वो नहीं जानता वो उसे बताई जाती है। ठीक है, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देख लेना आप। और अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारी ऐप निमीजी नेट से ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको वहाँ पे कोर्स मिल रहा है, वो कोर्स आप ले सकते हैं, उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे हम बात करें दोस्तों, दो है हमारी बेस्ड ऑन आइडिया और कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और इम्पेरिकल रिसर्च। यानी कि किसी विचार या थ्योरी के बारे में रिसर्च करना क्या कहलाता है, कॉन्सेप्चुअल। यानी कि हमारे पास कोई विचार है, उस विचार के बारे में हम रिसर्च करें। जैसे कि हम मान के चले गांधी जी के विचार कैसे थे,
अब गांधी जी के विचार पे काफी लोगों के कन्फ्लिक्ट है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सोचते, भाई गांधी जी अच्छे नहीं थे, गांधी जी अच्छे थे, सभी लोगों का अलग अलग मानना, उनकी विचारधारा से कोई सहमत हो सकता है, कोई सहमत नहीं हो सकता। अब उसके ऊपर जब हम रिसर्च करेंगे तो वो वैचारिक शोध हमारी हो जाएगी। उसके बाद में इंपेरिकल रिसर्च जैसे आनुभाविक शोध इसको हम कहते हैं, ऑब्जर्वेशन और डेटा के आधार पर जो अनुभव हमने प्राप्त किए उसके अनुसार जो रिसर्च होते हैं उसको हम इंपेरिकल रिसर्च बोलते हैं। जी ठीक है, ये चीज़ आपको आ गई समझ में? ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों सम अदर इंपॉर्टेंट रिसर्च कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, जो चीज़ इतिहास में हमारी घट चुकी है उसके बारे में जब हम रिसर्च करें, जैसे कोई लड़ाई हुई है पहले और कोई घटना घटी है पहले, तो उसके बारे में जब हम रिसर्च करेंगे तो उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना दोस्तों जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक होती है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी ये देखो उसमें क्या होता है, जो चीज़ पहले घट चुकी है उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी यही होता है, घटना घटने के बाद जो रिसर्च की जाए उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। चलो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हम थोड़ी देर में अभी करेंगे, पहले ये देख लीजिए हिस्टोरिकल रिसर्च, इतिहास में कोई घटना घट चुकी है उसके बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घटना होती है ना दोस्तों इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस पर हम काबू पा सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई मकान टूट रहा है और हमने देखा भी पिछली बार जो हमने मकान बनाए थे ना 10 मकान वो जल्दी टूट गए, चलो जी क्यों टूटे हैं उस पर रिसर्च करते हैं। उसमें देखा हमने सीमेंट कम लगी हुई है, जो ईंट थी ईंटों पे पानी हमने कम डाला और इस वजह से वो क्या है कि जल्दी टूट गई। हमने 5 रीजन उसमें फाइंड आउट कर लिए और उन 5 रीजन को देख लिया, अगली बार जब हम मकान बनाएंगे तो वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है दोस्तों उसमें जो घटना घट चुकी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि देश में सुनामी आ गई, मुंबई में सुनामी आ गई, उससे हजारों लोगों का रोजगार छिन गया, कई लोग मर गए, बिजनेस खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए उससे हम शिक्षा ले सकते हैं, भाई समुन्द्र के पास हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, समुन्द्र के पास ज़्यादा लोगों को नहीं रहना चाहिए, हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन सुनामी को चेंज नहीं कर सकते ना हम सुनामी को चेंज। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम जो घटना घटी उसको चेंज नहीं कर सकते, हिस्टोरिकल रिसर्च में चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। तो ये चीज इसमें है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों क्रियात्मक शोध है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। जी देखिए एक्शन रिसर्च में कोई नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, एक्शन लेना, किसी पे कार्रवाई करना है ना, जैसे कुटाई करना किसी, कोई है ना कोई ज्यादा एंडी बनता है तो उसकी हम कुटाई कर देते हैं ना, एक्शन ले लेते हैं। तो क्रियात्मक शोध यानी कि कार्यवाही करना, एक्शन लेना किसी चीज पे, कोई समस्या हमारे पास उसका जल्दी से जल्दी हमें समाधान निकालना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन रिसर्च उसको हम बोलेंगे। और उसके ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारी चक्रीय शोध ये मानी जाती है, और इसमें क्या है कि प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, ये 3-4 स्टेप इसमें होते हैं, वो भी हम आगे देखने वाले में अभी आपको दिखाऊंगा आगे। फिर है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने कर ही लिया, और एनालिटिकल रिसर्च शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है, शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचना व तथ्यों का अध्ययन करता है। एनालिटिक मतलब विश्लेषण करना किसी चीज़ को, एनालिसिस करना। ठीक है, फिर है निदानिक शोध डायग्नोस्टिक, या फिर इसको क्लिनिकल रिसर्च भी बोलते हैं। डायग्नोस्ट का मतलब क्या होता है, हम भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़े, बट हमें हॉस्पिटल में सुनने को मिलता ना भाई उसका तो डायग्नोस हुआ है, उसको तो डायग्नोस करना पड़ा, उसको डायग्नोस्टिक लगा है, तो मतलब उसका उपचार करते हैं ना, स्पेशली उपचार करते। तो इसमें भी यही होता है, कोई हमारे पास समस्या है तो उसका उपचार करने के लिए जो शोध की जाती है उसको हम डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं। जी ये तो समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, किसी एक प्रमुख समूह या संस्था का पूरी तरह से अध्ययन करते हैं, जैसे किसी गांव में बीमारी फैल गई तो वहां के लोगों से संबंधित वातावरण इत्यादि का संयुक्त अध्ययन करते हैं, यानी कि डायग्नोस। अब देखिए कोई भी बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है मेरे को दवाई दे दो,
क्या डॉक्टर जाते ही हमें दवाई दे देगा? नहीं देगा ना, वो पूछेगा, हाँ जी आपने सुबह क्या खाया था, आप कहाँ गए थे, आपने क्या पिया था, आप क्या काम कर रहे थे और कितने बजे आपका पेट दर्द होना शुरू हुआ। यानी कि हम उससे संबंधित पूरी तरह का जो जानकारी है वो हम लेते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च में, तब जाके हम उसका उपचार करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा ये देखो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो मैं आपको बोल रहा था, और उसके बाद में हम थोड़ी सी और रिसर्च है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं जो आपको आज नॉलेज दूंगा ना, वो नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त क्लास आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जैसे इसको हम बोलते हैं पश्चोन्मुखी अनुसंधान या कार्योत्तर अनुसंधान भी बोलते हैं हिंदी में इसको। देखिए कार्य होने के बाद, घटना घटित होने के बाद जो रिसर्च की जाती है उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। अभी अब देखिए घटना घटित होने के बाद है ना, हमने ऐतिहासिक शोध में भी तो यही था, ऐतिहासिक शोध में भी यही था, कोई घटना घट गई उसके बाद हम शोध कर रहे थे, लेकिन ऐतिहासिक शोध में जो घटना घटी उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर क्या है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह की शोध में हम स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो घटना घटी है उसका क्या प्रभाव पड़ा है हमारे जनजीवन पे, हमारी परिस्थितियों पे, अन्य इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हमने पढ़ ही ली है इसमें से। जैसे ये देखो इसमें उदाहरण भी दिया हो गया है ना, जैसे किसी जगह पर सुनामी आ गई, सुनामी आने से वहाँ पर तरह तरह की बीमारियाँ फैल गई है, यहाँ पर सुनामी का एक स्वतंत्र चर है, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते, सुनामी के कारण होने वाले प्रभाव की हम जान सकते हैं, भाई सुनामी के कारण क्या क्या प्रभाव हुए हैं उनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें हम एक समय टाइम पीरियड के अनुसार रिसर्च करते हैं, एक इंटरवल के समय हम देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म जो समय होता है उसमें हम देखते हैं चीज़ों में किस तरह से बदलाव आया है। जैसे कि देखिए लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में क्या है कि हम 30 साल का सर्वे कर रहे हैं, उस 30 साल में देख रहे हैं 2000 से हमने सर्वे शुरू कर दिया, मान के चलिए कि 2000 के अंदर जो बाल विवाह है वो कितना होता था। बाल विवाह छोड़िए, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भ्रूण हत्या है, सन 2000 में कितनी भ्रूण हत्या होती थी, 2005 में कितनी होने लग गई, ठीक है 2010 में फिर कितनी होने लग गई, 2015 में कितनी होने लग गई, यानी कि समय के अनुसार भ्रूण हत्या में कमी आई है या तेजी आई है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। समय के अकॉर्डिंग चीज़ों में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, लोगों की थिंकिंग में क्या चेंजमेंट आया है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। हो सकता है इसमें 5-5 साल का डेटा इकट्ठा कर रहे हो सकता है 1-1 साल का इकट्ठा कर रहे हो सकता है 1-1 महीने का डेटा इकट्ठा कर रहे हो, बट होगा क्या इसमें एक निश्चित टाइम पीरियड लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती है। और उसके बाद में कैजुअल कारण प्रभाव रिसर्च, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं, यानी कि एक चर के कारण दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं, प्रभाव है ना कारण प्रभाव, तो प्रभाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें सेंस रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सेंसस रिसर्च क्या होती है, ये इस तरह की रिसर्च होती है, इसमें हम जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है उसके उसमें हर एक व्यक्ति का डेटा इकट्ठा किया जाता है। अब जैसे गाँव है कोई, ठीक है गांव के अंदर 1000 लोग रह रहे हैं, तो अब मान के चलिए हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, भाई यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोगों का एजुकेशन क्या है, कैसे है, और तो हम हो सकता है उसके अंदर 1000 में से 100 लोगों का डेटा इकट्ठा करें। ठीक है 100 लोगों से जाके पूछ ले भाई यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितने एग्रीकल्चर में कितने नौकरी लगे हुए हैं, तो ये तो क्या होगी हमारी अलग रिसर्च होगी। लेकिन अगर हमें जनगणना करनी पड़ जाए कि हर व्यक्ति के घर में जाना है और पूछना कितने सदस्य रहते हैं और कितने एजुकेटेड है, हर ये हमें मैंडेटरी कर दिया जाए, हर किसी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो हम 1000 के 1000 व्यक्ति से मिलेंगे, तो ये हमारी होगी सेंस रिसर्च होगी।
फिर है हमारी केस स्टडी है। केस स्टडी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी विशेष समुदाय, विशेष जनसंख्या या विशेष कोई मोहल्ला है, कुछ भी चीज़ है विशेष हमारी, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी जब हम लेते हैं और उससे रिलेटेड संपूर्ण विश्लेषण करते हैं तो उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। जैसे मान के चले अब कोरोना वायरस के दौरान क्या हुआ कि हमें पता चला कि एक गाँव है, उस गाँव के अंदर कोरोना फैल गया, तो हम क्या करेंगे, उस गांव से रिलेटेड पूरी जानकारी प्रशासन लेगा, इस गांव में पहला केस कोरोना का कब आया और जब कोरोना का केस आया तो किस व्यक्ति को कोरोना हुआ, वो व्यक्ति कहाँ पे घूम के आया, उसके आने के बाद वो किन किन लोगों से मिला और उसके बाद में गांव में किन किन लोगों को कोरोना हुआ, उन लोगों का खाना पीना कैसा था और वो लोग किन किन लोगों से मिले, तो इस तरह की सारी चीज़ें उसमें उससे रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है। और आगे दोस्तों हमारे पास इथेनोग्राफिक रिसर्च है, और इथेनोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है दोस्तों, एक गुणात्मक शोध पद्धति है जिसमें लंबे समय तक अपनी प्राकृतिक सेटिंग में रहने वाले सांस्कृतिक समूह का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जनजाति होगी, एक कबीला हो गया जहाँ पे लोग काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि उसका उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कोई जनजाति है तो आदिवासी है, उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें देखिए अध्ययन के क्षेत्र में खुद को या खुद को एम्बेड करने वाले नर्स वैज्ञानिक शोधकर्ता शामिल होते हैं। इसमें क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, उस रिसर्च के अंदर, ठीक है, उस जनजाति के लोग रिसर्च में शामिल होते हैं, वो अपना डेटा देते हैं और इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं, गुणात्मक शोध बोलते हैं, ठीक है जी। तो अभी दोस्तों मैं आपको इससे हमने जो भी रिसर्च की है, ये हमने रिसर्च की है, बेसिक हमने देख लिया भाई किसका क्या मतलब है। अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स बताने वाला हूँ। अभी जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाली है और इनको ध्यान में देख के आप बिल्कुल 5 से 10 सेकेंड में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिले ये शब्द है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्रिंसिपल और थ्योरी इन्वेंशन की बात है ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए भाई किसी थ्योरी के किसी रिसर्च में थ्योरी का निर्माण किया जा रहा है तो वहाँ पे कौन सी रिसर्च होगी, बेसिक या फंडामेंटल या प्योर रिसर्च होगी। और जब उस थ्योरी को अप्लाई किया जाए, प्रिंसिपल और थ्योरी इफेक्ट, उसका इफेक्ट जानने का प्रयास किया जाए, उसको अप्लाई किया जाए तो वहाँ पे हमारी अप्लाइड रिसर्च होगी। तो जहाँ पे थ्योरी इन्वेंशन का काम हो, निर्माण हो किसी थ्योरी का, तो बेसिक रिसर्च, उसको अप्लाई किया जाएगा तो अप्लाइड रिसर्च हमारी होगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, और इसमें देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च दोनों आपस में जुड़ी हुई है और एक हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च, ये तीनों मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेरिमेंटल में देखिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल में जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम, जैसे एक चाय बना रहे हैं, चाय में अगर दूध कम डाल देंगे तो कैसा टेस्ट होगा, अगर उसमें चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो कैसा टेस्ट होगा, हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना इसके अंदर क्या चीज जरूरी है जो एग्जाम में आएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी मैनुपलेटेड रेदर देन सिलेक्टेड। अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी मैनुपलेटेड, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल है तो उसको हम मैनुपलेट करने का काम करते हैं, मतलब उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अभी मैंने बताया ना, चीनी है हमारे पास, चाय है हमारे पास और मिल्क है हमारे पास, हम क्या कर रहे, इन तीनों से क्या है कि हम चाय बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो चाय को कम ज़्यादा करना पड़ेगा या चीनी को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, चाय पत्ती जो है उसको कम ज़्यादा या चीनी को या फिर मिल्क को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। हैज़ टू बी मैनुपलेटेड, मैनुपलेटेड का मतलब है उसमें कम या ज़्यादा करना, उसमें छेड़छाड़ करना, तभी जाके हमें एक्सपेरिमेंट नज़र आएगा चाय के अंदर, ठीक है। और इसमें एक्शन वर्ड यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा भाई, ऐसी रिसर्च जिसमें हम कंट्रोल करते हैं, मैनुपलेट करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो कैसी रिसर्च होगी, वो होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। अब देखिए कंट्रोल, कंट्रोल क्या करते हैं, कंट्रोल इसमें ये चीज़ कंट्रोल है भाई, चाय जब बनाएंगे ना तो हमारी जो आँच है, मतलब जो आग है, आग हमारी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए भाई, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। चाय, चीनी और दूध
ये पानी ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आँच हमारी कंट्रोल होनी चाहिए। कंट्रोल करना, मैनुपलेट करना और ऑब्जर्व करना, ये तीनों चीज़ें हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च की बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनुपलेट। अब देखिए स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है, यानी कि इसमें क्या कि हेर फेर नहीं किया जाता, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, उसका इफेक्ट जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना सुनामी, ठीक है, ये क्या है हमारी सुनामी, इसका क्या प्रभाव पड़ा है हमारी जनजीवन पे, ठीक है, प्रभाव सुनामी आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। अब ये देखो स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है, ठीक है, सुनामी को चुना जाएगा, इसमें हेर फेर नहीं कर सकते हम। क्या भैया सुनामी में हेर फेर कर सकते हैं क्या? समुद्र में जो सुनामी आते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसमें जो भी वेरिएबल लेते हैं, जो भी घटना हम लेते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। ये घटना के बाद शोध की जाती है, ठीक है। चर में हेर फेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछित है। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए ये कह रहा है, मैनुपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल ऑफ एक्सट्रोजीनियस वेरिएबल आर नाइदर पॉसिबल और नॉट डिजायरेबल। यानी कि जो बाह्य चर होते हैं उनको हम ना ही तो मैनुपुलेट कर सकते ना ही उसको हम कंट्रोल कर सकते, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली ना, सुनामी जो है उसको ना ही तो कंट्रोल कर सकते ना ही उसको हम मैनुपुलेट कर सकते। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर। अगला है दोस्तों हमारा एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च में किन किन शब्दों का इस्तेमाल होगा, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इमीडिएट एप्लीकेशन और वर्क के लिए, जहाँ पे हमें जल्दी समाधान चाहिए किसी चीज़ का तो वो क्या होगी हमारी इमीडिएट एक्शन रिसर्च होगी। और जहाँ पे एनहांसमेंट की बात आए भाई किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, सुधार करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो जहाँ जहाँ पे आपको ये शब्द देखने को मिले ना, एनहांसमेंट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन या फिर इमीडिएट एप्लीकेशन और वर्क, ये शब्द जहाँ पे देखने को मिले वहीं पे आपका क्या होगा, एक्शन रिसर्च होगा। और दो क्या देखने को मिलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय शोध, ठीक है, जहाँ पे चक्रीय शोध होगी वहाँ पे एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च के स्टेप क्या है दोस्तों, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये इसके एक्शन रिसर्च के स्टेप है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें भाई, आर यू रेडी, क्या रेडी है, अरे बोर तो नहीं हो गए आप? अरे अभी आपको मैं थोड़ा डांस करके दिखाऊंगा, ठीक है, हमारे साथ बने रहना, तो आपको बोर नहीं होने देंगे हम, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद डांस करके दिखाऊंगा मैं आपको सच्ची में। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल और थ्योरी इन्वेंशन, प्रिंसिपल और थ्योरी इफेक्ट, ये दो चीज़ देखनी है। देखिए अब ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन, ये देखो ठीक है, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है, बताओ किसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च में उपयोग किया जाता है ना, ठीक है, अभी हम करके आए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों इसमें से, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और आंसर तो खैर तुम्हें दिख गया, कोई बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आया हमारा 2023 में आया है ये क्वेश्चन, अप्लाइड रिसर्च इज कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। अब देखो अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, क्या ये बात सही है क्या? ओ मेरे भाइयों बहनों सुन रहे हो, आपका ध्यान किधर है, गन्ने का जूस इधर है, क्या कर रहे हो यार आप लोग? देखो अप्लाइड ये बोल रहा है, देखो ये स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट वन और टू, हमें बताना है ये गलत है या सही है। अप्लाइड रिसर्च में थ्योरी फॉर्मुलेशन की जाती है, क्या ये बात सही है? नहीं है ना, सही नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम बेसिक रिसर्च में करते हैं यार, ना कि अप्लाइड में। अप्लाइड में तो अप्लाई करके देखते हैं हम, ठीक है। अगला फंडामेंटल रिसर्च एम एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी। अब देखो फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल यानी बेसिक रिसर्च, अब ये बोल रहा है कि बेसिक रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ ए इमीडिएट प्रॉब्लम,
कोई तत्काल समस्या है उसका समाधान फाइंड आउट करना बेसिक रिसर्च का उद्देश्य है। क्या ये बात सही है दोस्तों? नहीं है ना। इमीडिएट एप्लीकेशन कहाँ पे पढ़ा था हमने? इमीडिएट एप्लीकेशन कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कौन देख रहा है क्लास को, अभी तक कौन हमारे साथ बने हुए हैं, ठीक है। उसको अवार्ड देंगे हम। अवार्ड है यार आपके पास, आपको जीआरएफ मिलेगा, सीधी सी बात है। जी, तो जीआरएफ से बढ़ के हमारे लिए अवार्ड नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारी गलत होगी दोस्तों, ठीक है। बताना कौन सी रिसर्च में इमीडिएट एप्लीकेशन कहाँ पे की जाती है, जल्दी से समाधान पाना हो किसी चीज़ का, तो ये भी हमारा गलत है। दोनों के दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर इनकोरेक्ट, दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। आगे हमारा एक्शन रिसर्च है दोस्तों। एक्शन रिसर्च में मैंने आपको बताया था किन के, अब ये देखो, द रिसर्च दैट एम एट इमीडिएट एप्लीकेशन, वह शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है, कौन सी शोध कहलाती है? जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना हो तो वहाँ पे क्या होगा? एक्शन रिसर्च हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और यही चीज़ हमारी इसमें थी ना, इमीडिएट एप्लीकेशन, ये देखो, इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी, इमीडिएट प्रॉब्लम कोई उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमारी एक्शन रिसर्च होगी, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है दोस्तों, अब ये देखो, ये पूरी राम कहानी है यहाँ पे, ठीक है। कई बार क्या है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं, भाई यार पता नहीं क्या पूछ लिया इसने, ठीक है। चलो इसको हम देखते हैं क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट और टीचर के साथ एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करता है विद ए रिव्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहांसमेंट पार्टिसिपेशन इन स्कूल। वो इंटरव्यू क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि इनकी जो पार्टिसिपेशन है उसमें कुछ ना कुछ सुधार लाया जा सके, उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। जो पार्टिसिपेशन करते हैं बच्चे और टीचर एक साथ मिलके करते हैं, टीचर करवाते हैं बच्चों को, तो उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, इसलिए प्रिंसिपल ने उन दोनों की मीटिंग ली है, टीचर की और स्टूडेंट की। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है हमारा एनहांसमेंट, और हिंदी में इसको अभिवृत्ति बोलते हैं। मैंने बताया था ना, जहाँ पे एनहांसमेंट की बात हो, इम्प्रूवमेंट की बात हो, मॉडिफिकेशन की बात हो, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा? वहाँ पे होगा हमारा फंडामेंटल रिसर्च, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका ऐसे आएगा क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 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 यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका आएगा एक्शन रिसर्च आएगा, एक्शन रिसर्च, माफ़ी चाहूँगा, एक्शन रिसर्च इसका आंसर आएगा, ठीक है। और आगे ये देखिए, ये देखो निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थिति में सुधार, ये आ गया ना स्थिति में सुधार, सुधार किस में किया जाता है? एक्शन रिसर्च में, मॉडिफिकेशन सुधार करना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखो एक्शन रिसर्च के क्या क्या स्टेप है वो हमें बताना है। तो एक्शन रिसर्च के स्टेप क्या है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपके मन में एक और चीज़ होगी कि ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, ये स्टडी नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो दोस्तों आप हमारी ऐप ये देखिए, फॉर कंप्लीट स्टडी ज्वाइन अवर पेड कोर्स और डाउनलोड निमिजीनेट ऐप, वहाँ पे आप हमारे पेड कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र फीस वहाँ पे रखी गई है, 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में फीस है। वहाँ पे आपको 2012 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चन आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे, और यूनिट वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं। अभी जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो टाइप ऑफ रिसर्च के जितने भी क्वेश्चन आए वो अलग है, और टाइप ऑफ सैम्पलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, हर टॉपिक के क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आप ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये देखो दोबारा से फिर ये आ गया हमारा, ये देखो कीवर्ड क्या है, इंप्रूवमेंट है ना, इंश्योरिंग द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन, ये देखो ये आ गया हमारा, ये देखो परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना, सुधार, सुधार शब्द आ गया तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, एक्शन रिसर्च आएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इन साइक्लिक इन नेचर, ये देखो साइक्लिक इन नेचर क्या है हमारा,
क्या है, एक्शन रिसर्च है हमारा साइक्लिक, ठीक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है, देखो दोबारा फिर आ गया हमारा, ये देखो इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग द यूजुअली रिकमेंडेड सिक्वेंस, कौन सी सिक्वेंस है हमारी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आगे हम यार आप हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड देखने को मिलेगा। ये देखो ये आ गया ना, इम्प्रूव आ गया, इम्प्रूव आ गया तो हमारा क्या होगा, एक्शन रिसर्च होगा, ठीक है। और इसमें देखो ये क्या आ गया, साइक्लिक रिसर्च आ गया। वो पहले क्वेश्चन क्या था हमारा 2019 का, ये सितंबर 2020 का, इसमें क्या है, साइक्लिक रिसर्च। साइक्लिक रिसर्च किस में होगी, हमारी एक्शन रिसर्च में होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब ये देखिए, ये जैसे ये आ गया प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये स्टेटमेंट है। एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक और उसमें ये स्टेप होते, क्या ये बात सही है, सही है ना, ये हम पढ़ के हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं भाई, ठीक है। और इसमें देखो ये जैसे है, ये क्वेश्चन आया 37, और ये देखो एक्शन रिसर्च कौन सी होगी हमारी, ये देखो ऑप्शन फोर में चेंज फॉर द बेटर, ये देखो अभ्यासकर्ता में बेहतरी के लिए परिवर्तन, इंप्रूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, हर जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और ये देखिए मार्च 2023 में क्वेश्चन आया हमारा, इन द केस द फोकस ऑफ रिसर्चर इज टू इम्प्रूव, ये देखो इम्प्रूव ए स्कूल इन विच स्टूडेंट आर पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर सुपरवाइजर आर टीचर शुड ए रिसर्चर, ये देखो सीधी सी बात है, सारी चीजें छोड़ो, इसका मतलब क्या निकल रहा है वो छोड़ो, या क्या रिसर्चर इज टू इम्प्रूव, इंप्रूवमेंट की बात आ गई भैया, सुधार की बात आ गई। और सुधार कहाँ पे करते हैं, ओ मेरे भाइयों बहनों आपका ध्यान किधर है, ये देखो एक्शन रिसर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2012 से लेके 2023 तक किस तरह से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों इसमें हमने हर एक रिसर्च का बता रखा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखो, कंट्रोल मैनुपलेटेड और ऑब्जर्वेशन। अब देखो अब ये आ गया, ये क्वेश्चन देखो 2018 में है, ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें कंट्रोल मैनुपलेट और ऑब्जर्व का काम किया जाता है, कंट्रोल किसमें की जाती है चीज़ें, मैनुपलेट हेर फेर किसमें किया जाता है, चाय बना रहे थे ना हम एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो क्या होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको देखनी है, ये देखो मैनुपलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन में वेरिएबल को मैनुपुलेट करना, छेड़छाड़ करना, क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स ले लेना भाई, देखो हर जगह वही चीजें आ रही है हमारी। और ये देखो ये अक्टूबर 2022 में आया ये क्वेश्चन, तो ये भी आप देख सकते हैं भाई क्या सिक्वेंस है इसकी, ठीक है। और ये फिर हमारा एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च है दोस्तों, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में भी मैंने आपको बताया था, ये देखिए वेरिएबल हैज़ टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनुपलेटेड, यानी कि इसमें जो वेरिएबल है वेरिएबल को सिलेक्ट किया जाता है, ना कि मैनुपलेट, मैनुपलेट यानी कि उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती। तो छेड़छाड़ किसमें नहीं की जाती, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में, क्यों नहीं की जाती, क्योंकि इसमें सुनामी आती है और सुनामी को हम चेंज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हैं। ये देखो द रिसर्च इज कैरी आउट आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट होने के बाद रिसर्च की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों एक क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन करवा पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम सभी क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास है हमारी बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए, ये क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारी ऐप निमिजनेट डाउनलोड कर लेना और उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। और हाँ एक चीज़ और मेरे को बताना कि क्या हमें ऐसे और भी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए क्या, पहले थ्योरी करवाएं उसके बाद में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स करवाएं उसके बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हमारे आज तक वो करवाएं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट ज़रूर करना कि यस सर ऐसे और भी वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आप हमें ज़रूर बताना भाई, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटे का बटन भी दबा दिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।
दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।